और फर्स्ट एक्शन, जैसे डिजायर्ड आउटकम, पहले उसकी कोई जो ख्वाहिश है वो जाहिर की जाएगी, जैसे कि वी विल अराइव एट 6 PM, कि हम जो 6 PM तक जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि अगर इफ आर ट्रेन इज ऑन टाइम, किस लिए वो 6 PM पहुंचेंगे, अगर ट्रेन जो है वो टाइम पे होगी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड एक्शन और फर्स्ट एक्शन दे दिया गया है कि अगर जो हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं उसके लिए जो है कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं हमेशा। नीचे आ जाएं, अ कंडीशन सेंटेंसेस विद अनलेस एक्सप्रेसेस दैट एन एक्शन और सिचुएशन विल हैपन इफ द अदर वन डज नॉट हैपन फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर कहता है कि इसके अंदर ये उस वक्त ये इस्तेमाल होता है जब जो है हमारी जो काम है या जो हमारी जो वाक्य रूनमा हो रहा है वो पहले वाक्य ना हो। द एक्शन इन द क्लास डेट फॉलोज अनलेस इन द एक्शन डेट कैन नॉट अकर फॉर द डिजायर्ड आउटकम इन द मेन क्लास, ठीक है। अनलेस ये उस वक्त इस्तेमाल होगा जब मेन क्लास के अंदर जो हमारी डिजायर थी वो जो है वहां पे हमें हासिल हो, ठीक है। यहाँ आप सेकंड एक्शन देखें, यहाँ सेकंड एक्शन में दिया हुआ है डिजायर्ड आउटकम उसकी आ रही है कि वी विल अराइव एट 6 PM। अब रिक्वायर्ड कंडीशन अनलेस जो थी कि द अनलेस लगा के अनलेस द ट्रेन इज लेट, कि जो अगर ट्रेन लेट ना होगी तो वो 6 PM तक जो है वो पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे। द कनेक्टर्स अनटिल इज यूज टू रेफर अ पर्टिकुलर टाइम बिफोर एनी सिचुएशन। अब जो कनेक्टर्स अनलेस है वो जो है हवाला देता है किसी खास टाइम का सिचुएशन के, खास टाइम का बिफोर एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से पहले। वेट हियर, यहाँ पे इंतजार करें अनटिल आई कम बैक, जब तक के हत्ता के मैं वापस ना आ जाऊँ, ठीक है। यहाँ तक जो है वो आपने डेट लगानी है और जो है इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है वो आपने एच वर्क में करने हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम अपनी प्रैक्टिस बुक की तरफ, प्रैक्टिस बुक एट पेज नंबर 67, सेम हमारा टॉपिक है कनेक्टर्स फॉर कंडीशन, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इफ अंटिल और अनलेस, इन तीनों को हमने लगा के जो है वो हमारे सेंटेंस जो है वो फिल करने हैं। यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी जो है वो उनको फिल कर लिया है और हम उनकी रीडिंग करते हैं। यू विल नॉट लॉस वेट अनलेस यू स्टॉप ईटिंग जंक फूड, यानी कि जंक फूड को जब तक आप कम नहीं करेंगे, छोड़ नहीं देंगे, जब तक जो है वो आप अपना वजन कम नहीं कर सकेंगे। She will not come until you invite her, ठीक है। वो तब तक नहीं आएगी जब तक कि जो है आप उसको invite नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं। I will wait until you arrive, मैं जब तक इंतजार करूँगा जब तक कि आप आ नहीं जाते। You will get cold if you don't wear a coat, यानी कि अगर आप जो है कोट नहीं पहनेंगे तो आपको जो है सर्दी लग जाएगी, ठीक है। Let's wait here until the rain stop, ठीक है। यहाँ पे इंतज़ार करें जब तक जो है बारिश ना रुक जाए। इनको इस तरीके से आपने याद करना है, लिख भी लेना है और जो है आपने एच वर्क में, फिर से बता देती हूँ, आपने जो एच वर्क करना है वो आपने वर्ड्स मीनिंग करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। फ़ीमान अल्लाह।